मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश सचिव किरण अहिरवार ने आज मोहनगढ़ में कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस सरकार की सभी सीटें आएगी और कमलनाथ फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सचिव श्रीमती किरण अहिरवार ने मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत अरचरा में संत श्री रविदास के मंदिर के शिलान्यास करने के पूर्व संत श्री रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इसके बाद जब उनके उपचुनाव के बारे में पूछा गया तो उनकी पार्टी का इसमें कैसा प्रदर्शन रहेगा तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार रही जिसने चारों तरफ अराजकता फैल गई थी, जिसके खिलाफ पूर्व चुनाव में जनता का आक्रोश सामने आया जिसमें जनता ने भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को विजय दिलाई थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ की कार्यकुशलता से प्रदेश में जनहितैषी अनेक योजनाएं चालू की गई, मगर भाजपा और शिवराज सिंह ने षड्यंत्र पूर्वक संविधान की हत्या करते हुए कांग्रेस की सरकार को गिराकर उपचुनाव में जनता को कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, मगर इस उपचुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगी और प्रदेश में सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी और पुनः कमलनाथ की सरकार बनेगी। जो जनहितैषी योजनाएं बंद हो गई है उन्हें पुनः चालू किया जाएगा। मोहनगढ़ से अब्दुल शुक्ला की रिपोर्ट। सर आपका क्या नाम है और आप कांग्रेस पार्टी में किस पद पर आसीन? मैं किरण अहिरवार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव पद पर हूँ। सर जैसा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी उसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे लेकिन बीच में सरकार गिर गई और अब उपचुनाव का समय आ चुका है, इसमें आपकी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा और कितनी आपकी आशाएं हैं और आप लोग कितनी सीटें जीत सकते हैं? देखिए 15 साल बीजेपी की सरकार रही और जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी थी और जनता का बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला था और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र करके कांग्रेस को गिराया, कांग्रेस सरकार को गिराया है और ये एक बहुत ही गलत काम किया है जिसका कि जनता जवाब देगी, जनता सब समझती है। मैं भी खुद क्षेत्र में घूम रही हूँ उपचुनाव के समय में, मैंने भी देखा है जनता का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने एक षड्यंत्र करके सरकार गिराई है और इसका जवाब देगी जनता और पूरी 27 की 27 सीटें हम लोग जीतेंगे। टीकमगढ़ से सांसद का चुनाव भी लड़ी और प्रदेश कांग्रेस में सचिव भी हैं और वैसे भी टीकमगढ़ मोहनगढ़ आपका गृहनगर क्षेत्र भी है, यहाँ पर इस वर्ष अल्प वर्षा हुई है जिससे सूखा की स्थिति पैदा हो गई, किसानों की फसलें में फलियाँ लगी हैं लेकिन उनमें बीज नहीं है, किसानों में त्राही त्राही मची है। इसमें प्रदेश सरकार के लिए जो विपक्ष में बीजेपी की सरकार है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी हाँ, मैं कल भी गई थी खेतों में और मैंने वहाँ पे देखा भी, जाकर के खुद ही देखा है खेतों में। वाकई में पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद में सूखा ही हो गया एकदम, तो फसलें बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, सोयाबीन की और मसूर की और उड़द की। अब इसकी जानकारी हम सीएम साहब को देंगे कि यहाँ पर हालत बहुत खराब है। सर एक और के कोरोना की वजह से पहले लॉकडाउन लगा रहा जिससे हमारे यहाँ से जो किसान मजदूर बाहर खेत जाते हैं मजदूरी के लिए वो वहाँ फंसे रहे, मजबूरी में उन्होंने 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की लेकिन जब वो यहाँ आए तो प्रशासन के द्वारा उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई, मजबूर होकर उन्होंने पुनः कोरोना जैसी महामारी में रिस्क उठाते हुए पलायन कर रहे हैं, तो पलायन यहाँ क्यों हो रहा है इस बारे में आप क्या कहें? जी हाँ, ये हमारे क्षेत्र की बहुत ही कहना चाहिए बहुत दुखद बात है कि यहाँ से रोज़गार नहीं है यहाँ पर, दूसरा खेती में भी कुछ होता नहीं है यहाँ पर, तो मजबूरी में वो पलायन करते हैं यहाँ से, लेकिन सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ये बहुत ही दुखद है। वो बेचारे बहुत बुरी हालत में वहाँ से लौट कर आए और अभी फिर वापस से उनको वहाँ जाना पड़ा, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं सोचती है, बहुत दुखद है। सर इसके पहले आपकी सरकार रही लेकिन अब इसमें उपचुनाव भी आ चुके हैं तो उपचुनाव में आपकी जो सरकार थी इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति रहेगी और कितनी सीटें जीत सकती? जी हाँ, ये हमारे
कमलनाथ सरकार जो बहुत अच्छे काम कर रही थी उसको बीच में ही इन्होंने षड्यंत्र के द्वारा इसका सरकार को गिराया है। लेकिन अभी उपचुनाव में हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं खुद भी क्षेत्र में जाती हूँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। मैंने सांची में भी काफ़ी काम किया है, मुझे वहाँ का प्रभार मिला था। तो हम देख रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर लोग जो हैं असली गांव-गांव में जाकर के हम जिनसे बात करते हैं वो सब बहुत नाराज़ है, क्योंकि ये बहुत गलत काम हुआ है। तो हम लोगों को पूरी आशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम निकाल पाएंगे। सर, जो अभी बीजेपी में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं इमरती देवी, उनका एक बयान आया है कि मैं जिस कलेक्टर से ही कहूं वह हमें सीट जिता देगा और यह चुनाव मेरे लिए कुछ नहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस बात है, तो मुझे भी बहुत अजीब लगी ये बात, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरे प्रशासन को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, इसका मतलब यही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।